जय माता दी। इस समय हम है विंध्याचल के पक्का घाट पर, गंगा जी के किनारे। इस घाट का नाम है पक्का घाट, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए इस घाट को एक्सप्लोर करते हैं। चूँकि ठंडी बहुत ज़्यादा है तो लोगों की भीड़ यहाँ पर बहुत ही कम है, और अगर आप अपने रजाई बिस्तर में बैठे हुए हैं अपने घरों में, तो इस वीडियो का आनंद लीजिए और माता रानी का दर्शन कीजिए और देखिए इस घाट को। चलिए थोड़ा और नज़दीक चलते हैं गंगा जी के एकदम किनारे और देखते हैं कि वहाँ का दृश्य कैसा है। ये कुछ लोग नहा धो कर के आ रहे हैं। ये लोग जाएंगे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि बोरियाँ बिछा दी गई हैं ताकि लोग फिसले ना। ये देखिए बकरी का छोटा सा बच्चा, बकरी का नहीं भेड़ का है शायद। या तो यह सुबह सुबह का नज़ारा है। आइए गंगा जी के किनारे चलते हैं। जो चौकी लगी हुई है यहाँ पर पंडा जी लोग रहते हैं और टीका चंदन लगाते हैं। और ये देखिए इतनी ठंड पड़ रही है फिलहाल में कि गंगा जी में कोई भी स्नान करते हुए आपको नहीं दिखेगा। ये जो दो चार लोग दिख रहे हैं या लेडी स्नान कर चुके हैं और टीका चंदन अपना करवा रहे हैं। चलिए ऐसे ही आपको इस घाट का अवलोकन करा रहे हैं। देखिए कुछ लोग खुदाई करके वहाँ पर अपना चौकी वौकी लगाने की व्यवस्था बना रहे हैं। और विंध्याचल में ज़्यादातर लोग मुंडन वगैरह कराने के लिए भी आते हैं, तो ऐसे लोगों को नहाना धोना पड़ता है, या यूँ कह लें कि लोग नहाते धोते रहते हैं। ये जर्किन रखी हुई है बगल में, आप इसको 10-20 रुपए का ख़रीद के इसमें गंगा जल भर के ले जा सकते हैं अपने घरों में रखने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए। देखिए सामने पक्का घाट लिखा हुआ है ना। आइए और ऊपर की तरफ चलते हैं और नज़दीक से देखते हैं इस पक्का घाट को। ये देखिए इस पॉइंट से अच्छा व्यू आएगा। देखिए यहाँ से पूरा आपको यह विंध्यवासिनी का घाट, जिसको पक्का घाट के नाम से भी जाना जाता है, विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी का यह खूबसूरत घाट है। यहाँ पर गंगा आरती भी होती है, नमामि गंगे सामने लिखा हुआ है। स्वच्छता ही सेवा है, नगर पालिका मिर्ज़ापुर विंध्याचल, पक्का घाट का यह दृश्य है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 अर्चका द्वारा संगीतमयी माँ गंगा आरती प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होता है। विंध्य विकास, यहाँ पर देखिए एक उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान ड्यूटी देते हुए, यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगे हुए हैं ताकि कोई किसी के साथ छेड़खानी न कर सके और ना ही कोई गहरे पानी में जा सके, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लगे हुए हैं। सेवा में सदैव तत्पर उत्तर प्रदेश पुलिस। चलिए और थोड़ा सा इस किनारे नीचे उतर करके देखते हैं क्या कुछ नज़ारा है। वैसे आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फॉग है आगे। और यहाँ पर अभी एक्चुअल में घाट वगैरह सही से बना नहीं है, जैसे ही इस कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद किनारे तक भी, ये लगभग लगभग 5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 5 किलोमीटर जो माँ विंध्यवासिनी का प्रमुख मंदिर है उससे 5 किलोमीटर के दायरे में जो है ये प्लान है सब कुछ सुधारने का, चाहे वो रोड हो या गंगा जी का किनारा हो या होटल हो या कुछ भी। ठीक है, तो ये देखिए इधर का घाट जो है कि पक्का है, लेकिन इधर तो ज़्यादातर लोग नहाते धोते नहीं हैं। जिस प्रकार से बनारस में कॉरिडोर बना हुआ है ना, उसी प्रकार से यहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है। और इसी पक्का घाट से आगे जाएंगे और वहाँ से जो पीपल का वृक्ष है हमारे पीछे दिख रहा होगा, इस पीपल के वृक्ष से होते हुए आप जाएंगे सीधे तो माँ विंध्यवासिनी का मंदिर पड़ेगा। यहाँ स्नान करेंगे और उसके बाद सीधे जाएंगे पक्का घाट से, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बस शायद इस नवरात्र तक ही है ना, इस नवरात्रि तक चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। पिछले एक साल में जितना काम हुआ है, एक साल के पहले हम आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था और अब बहुत कुछ बदल चुका है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।